असलम जी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कॉर्न सूप इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन की यखनी निकाल ली थी और उसी चिकन को मैंने श्रेड कर दिया तो बेसिकली ये बॉयल श्रेडेड चिकन है जिसमें यखनी है साथ मैंने इसमें डाला है सॉल्ट सोया सॉस इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी विनेगर ओबियसली अब मैं साथ साथ चखती रहती हूँ तो मेरे पास कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं है तो अपने हिसाब से आप लें <laughs> और साथ ही मैंने काली मिर्च डाली और ये मैं डाल रही हूँ चीनी जो कि सिर्फ मैंने डाली है एक टीस्पून स्पून में। बस पास हाफ टी स्पून की मेजरमेंट वाला स्पून है तो टोटल तो 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 एक टीस्पून मैंने चीनी डाली है साथ में जो है वो फ्रोजन कॉर्न डाल रही हूँ लोग इसमें डालते हैं जैसे क्रीम स्टाइल कॉर्न होती है ना तो थोड़ी ग्राइंड हुई हुई लेकिन मुझे होल जैसे कर्नल है मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगता है तो मैंने इसमें फ्रोज़न स्वीट कॉर्न डाल दिए अब फाइनल टचस की तरफ आए तो मुझे ख्याल आया कि मेरा जो कॉर्नफ्लावर है ना वो तो ख़त्म हुआ हुआ है तो सूप की मैंने की आग बंद और मैं चली गई बाहर ग्रोसरी करने और आपको पता है ग्रोसरी करने में एक चीज़ देने जाती हूँ और चीज़ें साथ साथ नजर आती जाती हैं मैं ख़रीदती जाती हूँ तो मैंने सोचा बाहर आई हुई तो मैं फ्रूट भी ख़रीद लूँ साथ जो है वो फ्रेश और ख़रीद लें ताकि औरेंज जूस वगैरह बन जाए बिकॉज़ सर्दियों में किन्नों का जूस तो बहुत अच्छा लगता है तो ये जी कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च अब के लिए मुझे वो मिल गया और ना मेरी नज़र पड़ गई यहाँ पर पड़ा हुआ था देसी घी और साथ ही एक डक फैट पड़ा हुआ था मैंने कभी डक फैट नहीं देखा तो मैं सोच रही थी लोग डक ग्रीस या डक फैट से बनी है कैसे यूज़ कर लेते हैं ऐसी कोई स्मेल होगी या नहीं होगी पता नहीं क्या तो मैं तो ये ना देसी घी फिर नज़र पड़ी तो फिर मैंने सोचा कि मैं घर में बना लूँ काफ़ी टाइम पर जैसे मैंने लास्ट ईयर ना देसी घी खुद बनाया था तब तो वो ख़त्म हो गया तो खैर जी कॉर्नफ्लोर लेके वापस घर आ गए और मैंने उसमें एक जो बीट किया हुआ एग है वो डाल दिया और थर्टी सेकेंड बाद उसमें आप चम्मच हिला दें तो अच्छा सा ना एक जितना आपको चाहिए होता है एग उतना बन जाती है यू you नो know, उसके पीसेस और साथ ही मैंने इसमें कॉर्नफ्लेवर स्लरी डाल दी मुझे ना थूप सूप जो है वो थोड़ा सा थिकर कंसिस्टेंसी के साथ अच्छा लगता तो मैंने अपने हिसाब से कॉर्नफ्ल डाल दिया जैसे मेरी मामा जो है वो सूप थोड़ा पतला रखती हैं आइए <laughs> उनकी अपनी साइंस है कोई <laughs> लेकिन मुझे थोड़ा गाढ़ा सूप पसंद है तो मैंने सूप जो है वो रेडी कर लिया साथ मैंने फ़िश क्रैकर्स बना लिए आपको पता है अमेरिका में रेस्टोरेंट्स में फ़िश क्रैकर्स नहीं मिलते पता नहीं ये कोई कॉन्सेप्ट है जो कि पाकिस्तान में ही था यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलते बड़ी बात हो तो साथ वो सूप के थोड़ी सी क्रिस्पी नूडल्स दे देते हैं द फ़्राई हुई हुई तो ये मैंने पाकिस्तान से ही मंगवाया था फिश क्रैकर्स और ये काफ़ी ज़्यादा आ गए थे कोई छः पैकेट्स लास्ट ईयर तो वो अभी तक चल रहे हैं तो जी सूप बन गया साथ में बना रही हूँ स्पाइसी चिकन नूडल्स उसके मैंने बोनलेस चिकन ली है और उसको अच्छे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है इसमें मैंने एक टीस्पून जो है वो डाली है सोया सॉस एक टीस्पून जो है वो सिरका है हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्च एक टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून जो है वो चिली फ्लेक्स हैं और ये गार्लिक को मैंने मेन्स कर लिया है जॉपिंग बोर्ड के ऊपर ये तो ये दो क्लोव तीन क्लोव्स टोटल हैं जिसमें से मैं एक क्लोव आ, आप कह लें कि ऑलमोस्ट वो मैंने डाल दिया है इसके अंदर मैरिनेट करने के लिए मैरिनेट हार्डली पाँच सात मिनट किया होगा और ये मैंने नई वॉक ऑर्डर की थी आ, पूरा सेट मैंने ऑर्डर किया था तो उसमें से एक वॉक है जिसमें मैं आज पहले दिन खाना बना रही हूँ <laughs> तो मैंने उसमें गार्लिक जो है उसको सॉटे किया जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हुआ मैंने जो चिकन है वो उसमें डाल दी और चिकन को आपने कर लेना है तेज़ आंच पे फुली कुक आग हल्की रखेंगे तो चिकन पानी छोड़ जाएगा इसलिए आपने उसको काफ़ी तेज़ आग के ऊपर सोटे कर लेना है और फिर मैंने इसमें डाली है बेल पेपर्स एंड अनियंस आप अपनी मर्जी से कैरट्स वगैरह भी डाल सकते हैं कैबेज भी डाल सकते हैं जो जो आपको वेजिटेबल अच्छी लगे तो मैंने सिर्फ ना इसमें डाली है शिमला मिर्च और प्याज तो यहाँ पे मैंने ली है तकरीबन छः टेबल स्पून आप के लिए चिली गार्लिक सॉस वैसे मैंने पूरी चिल्ली गार्लिक नहीं डालनी थी मैं बस टोमेटो ख़त्म हुई भी थी तो मैंने पूरी वो डाल दी वरना आप हाफ ऑफ़ कर सकते हैं तो साथ मैंने डाली है इसमें दो टेबल स्पून के लगभग बारबेक्यू सॉस साथ में थोड़ी सी सोया सॉस डाली है और थोड़ा थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर मतलब हाफ टी स्पून कह लें और साथ में इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली हैं तकरीबन वो भी हाफ टी स्पून होगा क्योंकि गार्लिक सॉस तो पहले ही स्पाइसी होती है ना थोड़ी सी स्पाइसी हो भी गई थी वैसे और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है उसकी एक सॉस ही बना ली और जैसे ही इसकी सॉस बन गई मैंने ये चिकन और जो वेजिटेबल्स का मिक्स करके रखा हुआ ना इसके ऊपर मैं पोर कर दूँगी और साथ ही मैंने बॉयल्ड नूडल्स ली थी स्पगैटी या नॉर्मल स्पगैटी मैंने फुल बॉयल कर ली थी और वो मैंने इसके ऊपर डाल दी और आप इसको जी अच्छा सा साथ मिक्स कर लें आग तेज़ ही रहने दें तो नूडल्स जो हैं वो रेडी हो गई उसके ऊपर मैंने कलौजी डाली थोड़ी सी अनपॉपुलर ओपिनियन है बट इसमें हल्की सी कलौजी बहुत अच्छी लगती है साथ इसमें मैंने वाइट सेसमी सीड्स डाले हैं और ऊपर से मैं थोड़ा सा कट आ, हुआ हुआ जो है वो सलॉन्चो या पार्सली आपके पास जो है ना आप वो डाल दें तो आपने कभी नहीं देखा होगा शायद कलौंजी डालते हुए लेकिन इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है थोड़ी सी डालनी है आ, और उसके ऊपर मैंने डाल दी वही चिली गार्लिक सॉस और थोड़ी सी बारबिक्यू सॉस और तकरीबन एक आध मिनट के लिए मैंने ऐसे स्टीम दे दी तो अच्छी सी टुगेदर हो गई तो जी हमारा खाना रेडी हो गया ठंड बहुत थी ये हमने नई फायर पेट ऑर्डर की है तो हमने बायर वो चलाई हुई थी इसमें बेसिकली ना प्रोपेन जो गैस का कैन होता है सिलेंडर वो डल नीचे लगा हुआ है ऊपर आप आग जला दें तो बहुत ही मज़े का कोजी सा अलहमदिल्ला इन्वायरमेंट हो गया हमने बहुत मज़े से बैठ के सूप और क्रैकर्स खाए और साथ ही गर्मा गर्म, गर्म नूडल्स तो जी माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा दिन गुज़र गया और साथ में मीठा मेरे हस्बैंड कहते हैं हलवा बना लेते हैं मैंने कहा छोड़ें इतनी कैलोरीज होंगी तो वो उठा कर चॉकलेट ले आए तो डिज़र्ट में हमने ये खाई चॉकलेट और साथ में पी चाय तो ये दिन गुजर गया अब जी ये नेक्स्ट डे की वीडियो है कुछ दिन बाद की वीडियो है उसमें मैंने देसी घी बना रही थी तो मैंने फ़्रेश ये जो बटर है कॉस्ट को से लिया तो तकरीबन सिक्सटीन स्टिक्स आप कह लें और तकरीबन तो डेढ़ किलो बटर था इसको मैंने हल्की आग पे जो है वो पकने रख दिया आधा घंटा पकाओगा बटर और जो बेसिकली इसकी निशानी क्या होती है अभी थोड़ा क्लाउडी है ना तो जैसे ये क्लैरिफाइड बटर मतलब देसी घी बनना शुरू करेगा इसका सारा मिल्क कंटेंट जैसे जो अभी ऊपर झाग आई हुई है ना ये थोड़ी ब्राउन होकर नीचे बैठ जाएगी और जो क्लियर आपका घी है ना वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो तब आपको पता चल जाएगा कि घी रेडी हो गया जैसे अभी आप देखें ऑयल सारा कितना क्लियर हो गया इसमें कोई कॉन्टेंट नहीं है जितना इसका मिल्क कॉन्टेंट था वो सारा नीचे जाके ब्राउन होकर नीचे सेटल डाउन कर गया और घी जो है ना वो रेडी हो गया तो ये मेरे देसी घी रेडी हो गया आप अपना ख्याल रखिए हम किसी और वीडियो में मिलते हैं अल्लाह हाफि जी और आजकल मेरे व्यूज़ बड़े कम आ रहे हैं बट मैं फिर भी वीडियोस बना रही हूँ उम्मीद करती दी गई कुछ जो है ना वो बेहतर हालात हो जाएंगे तो इसको बस ट्रेन करके मैंने रख लिया तो हमारा घी जो है ना वो रेडी हो गया Fill in real office.